पता चल जाएगा नई फुटबॉल चैंपियन टीम कौन सी है। Come on, yes, मेरे खिलाड़ियों। और ये गोल। ये बे, हम जीत गए। हम जीत गए म्याओ म्याओ। इस लास्ट मिनट गोल से खिलाड़ियों के खिलाड़ी ने टाइगर्स से टक्कर को एक गोल से हरा दिया है और वो फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गए हैं जहां उनका मुकाबला होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से। प्लीज आज टिकट्स बुक करने ही होंगे वरना सब खत्म हो जाएंगे। हेनरी, मैंने तुम्हें कल रात को ही कह दिया था कि तुम इतनी दूर तक अकेले नहीं जा सकते हो। प्लीज चुपचाप ये तुम टीवी पर देखना, अब कुर्सी पर बैठो और नाश्ता करो। आप समझती क्यों नहीं, खिलाड़ियों के खिलाड़ी वर्सेस मैन यू। मामा ये क्या होता है? चुप कर कीड़े, अपनी बकवास बंद करो हेनरी। पर डैडी मुझे टिकट चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और तुम्हारे पास इसके पैसे कहाँ से आएंगे? पॉकेट मनी से। तुम्हारी अगले 3 महीने की पॉकेट मनी तो कट चुकी है। इसका मतलब नहीं। और नहीं तो क्या? आप दुनिया के सबसे गंदे सबसे मम्मी डैडी है। मम्मी डैडी को कभी जरूरी चीजें समझ ही नहीं आती। कैसे हो हेनरी? मेरा पर्स, चोर कहीं क्या? शुक्रिया प्यारे बच्चे। बड़े लोग हाँ। सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं और हेनरी ने बॉल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इतनी दूर से वो गोल नहीं कर पाएगा, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, पर उसने कर दिया है और हेनरी ने मारा है खिलाड़ियों के खिलाड़ी का आखिरी गोल और वो जीत गए। कोई मुझे टिकट दे दो यार, टिकट। अब सुनो बच्चों, हमें खुशकिस्मती से खिलाड़ियों के खिलाड़ी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच के 2 टिकट्स मिली हैं। सुनो, मैंने तय किया है कि आज लंच टाइम में एक मैच होगा। मार्गरेट और एल कैप्टन्स होंगे और प्लेयर ऑफ द मैच को ही ये दोनों टिकट्स मिलेंगी। पर प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुनेगा? मैं हेनरी, और मेरा फैसला आखिरी फैसला होगा। कभी नहीं हेनरी, मैं तुझे ऐसे ही स्कोर करने नहीं दूंगा ताकि तू प्लेयर ऑफ द मैच बन जाए। क्यों नहीं, मार्गरेट का गोलकीपर है ना, इजी होगा तेरे लिए। हाँ, लेकिन तुझे स्कोर करने दूंगा तो मैं प्लेयर ऑफ द मैच कैसे बनूंगा? पागल मत बन यार, सब जानते हैं कि बेस्ट प्लेयर कौन होगा। तूने डिसाइड किया तो गेम में किसे ले जाएगी? ना, बाद में सोचूंगी। देखा, अपना कोई चांस नहीं है। लेकिन मैंने तुझे स्कोर करने दिया तो वो चीटिंग हो जाएगी ना। चलो चलो बच्चों, अपनी पोजीशन ले लो। याद रख, हमारे गैंग का रूल नंबर 7, सारे मेंबर्स को जापना शहंशाह और राजा के हुक्म मानने होंगे और वो मैं हूँ। लेकिन और देख, मैं जीत गया तो तुझे बदले में जरूर कुछ मिलेगा। मतलब तू मुझे ले जाएगा? समझ गया, तू तो बड़ा स्मार्ट है। ठीक है, तो सब रेडी है? फिर पंगा मत ले। हे, ये चीटिंग है। मुझे पास करो, पास पास करो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो टीम स्पिरिट के साथ खेला जाता है, जंगली जानवरों की तरह नहीं। चलो अब फिर से कोशिश करते हैं। तूने मुझे बॉल पास क्यों नहीं किया? क्या तुमने डिसाइड किया तुम किसे ले जाने वाली हो? ठीक है, तुझे ले जाऊंगी। यस, मार्गरेट टीम 1-0। अभी तो खेल सिर्फ शुरू हुआ है। Great!
डंडा इधर देख। यहाँ हेनरी। हाँ ग्रे। लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी टीम में हूँ। पहल की टीम का एक गोल। तू क्या कर रहा है? एक पंछी आया बड़ा वाला, उसने मेरी आंख में चोच मार दी। पुचुक। मुझे कोई पंछी नहीं दिख रहा। ऊपर से। ये। बट तुम्हें बॉल रोकनी चाहिए थी ना? ऐसा क्यों? मार्गरेट की टीम को दो गोल्स, बस अब एक ही मिनट बचा है। बस अब बहुत हुए सबके नखरे। अब मैं क्या करूं? मुझे दो। फाउल था वो। ये क्या? वो देखो। ये गोल। तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने शेर देखा, तुम भी देखो, है ना? वो बिल्ली है राल्फ। हाँ, एक बिल्ली ही तो है। शेर का बच्चा भी तो हो सकता है ना? टाइम अप, ड्रॉ हो चुका है, टू ऑल। मैंने दो गोल मारे, मैं हूँ प्लेयर ऑफ द मैच। मिस नहीं, तू नहीं, मैं हूँ प्लेयर ऑफ द मैच। चुप करो, मैंने कभी इतना घटिया प्रदर्शन नहीं देखा। बिल्कुल शर्मनाक खेल, कोई टीम की परवाह नहीं। तुम दोनों में से कोई नहीं है प्लेयर ऑफ द मैच। पर मिस, मैंने फैसला किया है कि अब पेनल्टी शूट आउट होगा हेनरी और मार्गरेट के बीच। ठीक है, तो राल्फ गोलकीपर हो सकता है ना? नहीं हेनरी, इस बार चीटिंग की गुंजाइश ना रहे, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के गोलकीपर होंगे। जाओ, पहले तुम्हारी बारी। तेरा तो कचरा हो जाएगा हेनरी, जब तू एक लड़की से हारेगा। तुझे डाइव करना चाहिए था हेनरी। अच्छा, तू बड़ा जानती है फुटबॉल के बारे में। ये तो मेरा फेमस बम बम डोले मूव था। मिस, ये चीटिंग है। चलो जगह चेंज करो, अब तुम्हारी बारी। क्या हुआ बच्चू, आज सुबह नाश्ता करना भूल गया था क्या? ये चीटिंग है, वो गोल था। पर नेट में नहीं गया। चलो जल्दी करो, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। मैंने तो बढ़िया गोल किया है, तो इसका मतलब मैं हूँ प्लेयर ऑफ द मैच। मतलब? इसका मतलब ये है कि टिकेट्स मुझे मिलते हैं। लेकिन ये गलत है। यकीन नहीं होता, टीचर ने खुद के लिए टिकट्स रख लिए। उसे फुटबॉल से क्या लेना देना है? फुटबॉल मैं आकर क्या करूँगी? मैं इतने दूर नहीं आऊंगी, वो भी उन हट्टे कट्टे पागल लोगों को एक बॉल को लात मारते देखने के लिए। पर मम्मी, तुम किसी और के साथ क्यों नहीं जाती? ये बच्चा, यही है वो प्यारा बच्चा, इसने ही तो सुबह मेरे पर्स को बचाया था। यहाँ आओ बेटे, ये लो, इसे रख लो। हा? नहीं मम्मी, इससे नहीं, इससे मत दो टिकट। क्यों नहीं? मेरा टिकट है, मैं इसे जिसे चाहे दे सकती हूँ। नहीं।